Is your English literature class chapter 14 Ranjit's wonderful bat. While author fail, it is utmost importance that a player plays with full confidence and sincerity. Here winning or losing is not what counts or with what bat, ball or racket he plays. Ranjit's wonderful bat is a story from a wonderful book by Ruskin Bond. Especially for cricket lover, this book of 15 stories starts off with the Ranji and misadventure with a cricket bat. This is a story that describes a common superstition associated with lucky charm. जबकि देखिए जो फील्ड है इन्होंने बोला है ये बहुत इंपॉर्टेंस थी किसके लिए प्लेयर्स के लिए जब प्लेयर्स खेला करते थे किसके साथ अपने कॉन्फिडेंस और सिंसेरिटी के साथ हियर विनिंग और लूजिंग वो अपनी विनिंग और लूजिंग को काउंट क्या करते ठीक है विथ वेट बैट और बॉल रंजी वंडरफुल बैट इज अ स्टोरी फ्रॉम वंडरफुल बुक बाय रस्किन बॉन्ड ओके स्पेशली क्रिकेट लवर फॉर क्रिकेट लवर्स दिस बुक ऑफ 15 स्टोरी स्टार्ट्स ऑफ एंड मिस एडवेंचर विद अ क्रिकेट बैट नाउ रीड एंड एंजॉय द स्टोरी हाउ'स दैट Shooted the wicketkeeper holding the ball up in his gloves. जैसे क्या बोलते हैं हम लोग कभी देखिए अंपायर जब बॉल ऐसा होता है ये ग्लव्स के साथ जो पीछे कीपर होता है ठीक है वो कैच कर लेता है तो बोलता है हाउ'स दैट ओके हाउ'स दैट मीन्स विकेट कीपर जैसे शूट करता है बॉल को शूट करता है विकेट पे तो वैसे वो बोलता है हाउ'स दैट The ball up in his gloves. How's that? Echoed the fielder. How? Growled the fast bowler, glaring at the umpire. Out said the umpire. And Suraj, the captain of the school team, was walking slowly back to tool shed at the far end of the field. The score at 53 for 4 wickets. Another 60 runs had to be made for victory. And only one good batsman remained. All the rest were bowlers who could not make many runs. It was Ranji's turn to bat. He was the youngest member of the team. Only 11 but strong and bold. Ranji prepared to face the bowler. The hard, shiny red ball came speeding towards him. Ranji was going to leap forward and play the ball back to the bowler. But at the last moment, he changes his mind and steps back, planning to push the ball through the ring of fielders. On his right, on off side, the ball swung in the air, short of the grass and came through sharply to strike Ranjit on his pads. तो स्टूडेंट्स इसमें बताया गया है आपकी स्टोरी में कि सूरज जो है क्या था कैप्टन था अपनी स्कूल टीम का जो वॉज स्लोली बैक टूल शेड मीन्स स्टूडेंट्स क्या होता है टूल शेड होता है स्टूडेंट्स आपका स्मॉल बिल्डिंग ऑफन मेड ऑफ वुड टू स्टोर टूल्स एक छोटी सी बिल्डिंग अक्सर जो वुड से बनी होती है जिसमें हम अपने टूल्स को स्टोर करके रखते हैं ओके तो इसके बाद वो क्या थी एट द फार एंड ऑफ द फील्ड फील्ड के बिल्कुल एंड में थी जो स्कोर किया उन्होंने कितना किया 53 किया 4 विकेट्स पे और जो अनादर 60 रन्स बचे उससे वो जीत सकते थे तो जो उनके पास एक ही गुड बैट्समैन बचा और बॉलर हु नॉट मेक मैनी रन्स बॉलर क्या किसी कोशिश में था कि मैं और रन्स नहीं बनाने दूंगा उस ठीक है और जो रंजीत टर्न टू बैट ही वॉज यंगर मेंबर वो जो था यंगर मेंबर था अपनी टीम का ओनली 11 बट स्ट्रांग एंड बोल्ड मगर स्ट्रांग और बोल्ड था रंजी ने प्रिपेयर करा फेस करा बॉलर को एंड हार्ड शाइनी रेड बॉल उसके पास जब आई स्पीड में तो रंजी गोइंग टू लीप फॉरवर्ड एंड प्ले बॉल बैक ओके
बट द लास्ट मोमेंट ही चेंजेस हिज माइंड एंड स्टेप बैक, वापस ले लेता है वो अपने स्टेप्स एंड प्लेइंग एंड प्लानिंग टू पुश द बॉल. अब वो क्या सोचता है कि मैं बॉल को पुश करूँगा थ्रू द रिंग ऑफ फील्डर्स. ऑन हिज राइट ऑफ साइड बॉल स्वैंग इन द एयर. बॉल कहाँ की तरफ गई? एयर की तरफ उड़ती हुई गई. द एम्पायर रेज द फिंगर आउट ही सेड एंड इट वॉज रणजीत टर्न टू वॉक बैक टू द टूल शेड. द मैच वॉज वॉन बाय विजिटिंग टीम.